गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने हंगेरियन मेथड की एक वीडियो कर चुके हूँ। हंगेरियन मेथड में ये बता असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं उसे। असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि ये पांच जॉब्स पी क्यू आर एस टी को असाइन करनी है। इस तरह से असाइन करनी है कि तुम्हारी कॉस्ट बहुत कम हो जाए। अब ये क्या है, एक कॉस्ट है। जैसे सपोज करो तुम कुछ लेबर्स हायर कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, मैंने पी क्यू आर एस टी का हायर किया और मैंने उसको, अगर मैं उसको पी को ए जॉब देती हूँ तो उसको 85 पे करूंगी, क्यू को ए जॉब देती हूँ तो 75 पे करूंगी, ऐसे सभी की पे दे रखी है। तो उसके अकॉर्डिंग आर सबसे कम ले रहा हूँ उस जॉब के लिए, तो मैं 65 उसी को दूंगी। लेकिन जैसे मैं इसको आर को ये वाली जॉब दे दी, तो आर को कोई और काम नहीं मिल सकता और ये वाली जॉब किसी और को असाइन नहीं हो सकती, सभी को एक ही जॉब असाइन होगी। तो ये उस तरीके से ढूंढ रहे हैं हम क्वेश्चन को कि जो हमारी सबसे लीस्ट कॉस्ट बन जाए उनको पे करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड मैंने बताया था रो वाइज सबसे मिनिमम एलिमेंट देखना। इससे पहले जो वीडियो में था वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ आई थी, जब सारी जॉब्स उसको हायर नहीं कर रही। तो मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ उस तरीके से कंप्लीट कर लेना। देखो कैसे करना है, सबसे लीस्ट एलिमेंट ढूंढोगे इन अकॉर्डिंग टू द रोज। रोज में सबसे लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, 65, उसको उसमें से माइनस कर दोगे। तो 85 में से 65 माइनस करोगे 20, देन 75 में से 10 0, 65 में से माइनस करोगे 125 को और ऐसे ही 75 को। तो कितना आएगा, 65 में से 35 प्लस 60 करके देखना, 65 को माइनस करोगे 60 आएगा। उसके बाद इसमें सबसे लीस्ट एलिमेंट क्या है, 66, उन्हीं को सब में से माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, 24। ऐसे इसमें से माइनस करोगे 12, 66 में से इसमें से इधर तो जीरो ही आएगा क्योंकि 66 ही है, इसमें से माइनस करोगे 6 एंड 66 ही आ जाएगा वापस, जब तुम इसको ऐड करोगे 132 बनता है 66, इसमें से माइनस करोगे फिर दोबारा 12। हो गया यहां तक। सिमिलरली इसमें से भी ढूंढोगे, इसमें से भी और इससे भी। तो मैं इसे टेबल लिख लेती हूँ, सब में से लीस्ट एलिमेंट, इसमें से भी सबसे लीस्ट एलिमेंट तुम मार्क भी कर सकते हो। पहले इधर से 57 है, इधर से 60 है सबसे लीस्ट एलिमेंट और इधर से 56 है। सभी को उनमें से माइनस करने के बाद जो टेबल बनती है वो बताती हूँ। तो तुम्हारी टेबल आती है ये तो था तुमने क्या किया, सब में से लीस्ट एलिमेंट रो वाइज ढूंढा, उन्हीं को माइनस कर दिया सभी एलिमेंट्स में। तुमने एक चीज नोटिस करी है, सारे जीरो हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी में से सबसे, अब कॉलम वाइज देखना है। ये हमारे पी क्यू आर एस टी हो गया, ये ए बी सी डी ई, ठीक है। ये टेबल हमारी रो, जब मैंने रो में से मल्टीप्लाई माइनस कर दिया, अब इसमें से सबसे लीस्ट एलिमेंट देखो 18 है, 18 में से माइनस करेंगे इधर 8 में से, इधर तो है ही जीरो, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमारी 56 है और इधर हमारा 10 है, तो सब में से माइनस करोगे, देखो इधर क्या आएगा, 10 में से माइनस करोगे सभी को तो उधर तो 0, 2, 2, 2, कितनी है, 5 रोज है, 5 बन गए हैं। उसके बाद 56 माइनस करोगे, इधर बनेगा 4, इधर बनेगा 10, इधर बनेगा 1, इधर बनेगा फिर 4, इधर 0। सिमिलरली इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये सारे 0 आ गए हमारे। नेक्स्ट हमारा इधर 8 है, 8 माइनस किया सब में से 2, 4, 1, 4, 0। इसमें से सब में से 18 माइनस किया 2, 6, 0, 2, 2। एक बार बुक से मैच कर लेते हैं, हमारी टेबल यही बन रही है हमारी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये तुम्हारा तुम्हारा सेकेंड स्टेप क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सब में से रो में से सबसे मिनिमम एलिमेंट देखा, रो वाइज माइनस कर दिया सभी में से। फिर हमने क्या किया, कॉलम वाइज हर रो का, हर कॉलम का अलग अलग जो मिनिमम एलिमेंट है उनको करा, यहां तक हो गया। अब हम असाइनमेंट देना शुरू करेंगे, किसको कौन सी जॉब देनी है। तो मैंने क्या तरीका बताया था तुम्हें, सबसे पहले देखो जीरो, मैंने इसको ये असाइन कर दी जॉब, तो उसे नेक्स्ट जीरो और उससे नीचे वाली सभी जीरो को माइनस कर दोगे, कार्ड क्रॉस कर दोगे। मुझे बी के लिए असाइनमेंट नहीं मिली और सी के लिए जो असाइनमेंट मिली है सी को मैंने इधर कर दिया, इधर आगे कहीं जीरो नहीं है और ना नीचे है, तो मैं कहीं तो क्रॉस कर देती। फिर डी को असाइन करना था, डी में भी कोई जीरो नहीं वैकेंट है। ई को असाइन करना था, ई को मिल गई, ये असाइन कर दिया तुम्हारा। तो क्या बन गया, इधर तक तो तुम्हें सबने असाइन कर दिया ए बी सी डी, तो कौन कौन से खाली रह गए तुम्हारे, बी और डी, इन दोनों की कोई असाइनमेंट नहीं हुई है। जब तक तुम्हारे सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आता, जब तक तुम क्या नहीं करोगे, असाइनमेंट नहीं करोगे। अच्छा, ई को मैंने यहाँ पे भी असाइन कर सकती थी, अगर चाहती तो यहाँ असाइनमेंट करके यहाँ क्रॉस कर देती, और यहाँ चाहते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, तो दोनों में से किधर भी असाइनमेंट हो सकती थी। फिर मैंने तुम्हें बताया था दूसरा तरीका भी देख सकते हो असाइनमेंट का, लेकिन कोई ना कोई वैकेंट जरूर रहता। देखो मैं अभी यहाँ असाइनमेंट कर देती तो ये खाली रहता, और वैसे भी सबसे पहला स्टेप क्या, जैसे मैंने यहाँ इसको असाइन कर दिया, देख लेते हैं एक और टेबल में असाइनमेंट करके देखते हैं 206 दूसरे वे से, ताकि तुम्हें दोनों मेथड समझ आ जाए।
अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको असाइनमेंट दे दी तो इसकी ये क्रॉस हो गई, फिर इस रो में यही जीरो आती है, इसको असाइनमेंट ये क्रॉस कर दिया, तीनों ही असाइनमेंट मैंने बताया था जहाँ पे भी जिसमें भी असाइनमेंट हो जाए उसके ऊपर और इसके नीचे सारी जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगी, इधर नहीं थी इधर थी, मैंने इसको असाइनमेंट कर दी। अब मैं इधर असाइनमेंट करती हूँ इसके नीचे और इसके साइड वाली सारी जीरोस हो जाएंगी, और अब यहाँ असाइन करती हूँ तो अब कौन सा वैकेंट रह गया तुम्हारा, मैंने चार जॉब असाइन कर दी हैं ए बी सी डी ई, डी एक जॉब रह गई जो तुम्हारी असाइन नहीं हुई, P Q R S T। तो जब तक तुम्हारा असाइनमेंट ऑप्टिमल नहीं आएगा, जब तक तुम्हारी सारी जीरोस पे ना हो जाए, तो अब तुम्हें नेक्स्ट मेथड देखना है, नेक्स्ट स्टेप इसके आगे कैसे कंटिन्यू करना है उसको देखो। अब देखो अब करना कैसे है, जो जिसमें असाइनमेंट नहीं हुई है उस रो को मार्क करोगे तुम, किया, और जिस उस रो के अंदर अब इस डी के अंदर असाइनमेंट हुई है उस कॉलम को देखोगे, इस वाली कॉलम में कहां कहां उसको असाइनमेंट मिली है, एक तो इस वाली में और एक इधर। दोबारा देखो डी का मतलब तुम्हें एक तरह से रो और कॉलम देखना है, डी को मार्क करोगे जिधर असाइनमेंट नहीं हुई, फिर उस कॉलम में जहां जहां असाइनमेंट हुई है कहां हुई है, एक सिर्फ जीरो पे हुई है तो जीरो की रो को और उसी की कॉलम को मार्क कर लेंगे। कर लिया मार्क, अब जो अनमार्क बचे हैं उनसे देखो यहां पे स्टेप, देखो यहां पे मैं तुम्हें एक बार स्टेप्स भी पढ़ा दूंगी, स्टेप्स कहां लिखे हुए वो दिखा दे तुम्हें, ये स्टेप्स लिखे हुए हैं तुम्हारा रिवाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। देखो क्या करना है, फॉर ईच रो इन विच, तुम्हें क्या करना है जिस रो में असाइनमेंट नहीं हुई है उसको तुम्हें काम करना है मार्क का टिक, मैंने उस रो को टिक करना है, तो मैंने अभी देखा कि जो डी है डी के अंदर कोई असाइनमेंट नहीं, मैंने उसको टिक कर लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एग्जामिंग द मार्क रोज, अब उसमें देखो जो जो मार्क हुई है, इफ एनी जीरो एलिमेंट अकर्स इन दोज रोज मार्क का टिक। अब इसने क्या बोला है कि जो भी मार्क ड्रोज है तुम्हारे, ये है मार्क ड्रोज, उसमें जीरो को देखो, तो इसने बोला मार्क ड्रो देखा हमने, इन इफ एनी जीरो एलिमेंट अकर इन दोज रोज मार्क टेक टू द रिस्पेक्टिव कॉलम्स कंटेनिंग दो जीरो, इस रो के अंदर कहीं और जीरो आई है, एक इधर आई है, उसकी कॉलम को टिक करना है, मैंने कर दिया। दोबारा देखो डी के जो अनबैलेंस जिसमें असाइनमेंट नहीं हुई थी उसको तो टिक करना ही है। नेक्स्ट में बोला उसके अंदर जहां जहां जीरोज आई है उसकी कॉलम को टिक करना है, मैंने यहां देखा यहां जीरो है उसको टिक कर दिया। ठीक है, अब इस थर्ड का भी रीजन दे रखा होगा आगे, एग्जामिंग द मार्क कॉलम्स, अब जो भी तुमने मार्क कॉलम किया, कॉलम कौन सी मार्क किया ये, उसके अंदर जहां असाइनमेंट हुई है उसको मार्क करोगे। देखो एग्जामिंग द मार्क कॉलम इफ एनी असाइंड जीरो एलिमेंट अकर इन दोज रोज टिक द रो असाइंड जीरो, वही लिखा है जहां इस, दोबारा देखो जो जिसके अंदर असाइनमेंट नहीं हुई उसको टिक किया, उसके अंदर जहां जहां जीरो आ रही, सपोज करो इसके अंदर एक ही जगह जीरो है सिर्फ यहां पे, ठीक है, अगर बाय चांस यहाँ पे भी जीरो होती तो मैं इसके नीचे भी टिक करती, और इसमें जहां पे असाइनमेंट हुई है इसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुई, ऐसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें जहां जीरो आ रही थी इधर आ रही है इसको टिक किया, इसमें जहां असाइंड हो रही है कहां पे उसकी रो को टिक करना है, कर दिया यहां तक, तो वही यहां तक लिखा हुआ है एग्जामिंग रिस्पेक्टिव रोज कंटेनिंग दोज असाइंड जीरोज, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल नो मोर रोज एंड कॉलम्स कैन बी मार्क, तुम्हें वही ट्राई करना है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ईच मार्क्ड कॉलम एंड ईच अनमार्क्ड रो, तो तुम्हें यह ध्यान रखना है ईच मार्क्ड कॉलम, जो भी कॉलम बनाया है तुमने उसको लाइन बनानी है स्ट्रेट लाइन, और जो अनमार्क्ड कॉलम है अनमार्क्ड रो है, देखो मार्क्ड कॉलम कर लिया अनमार्क्ड रो, अनमार्क्ड रो कौन सी हो गई तुम्हारी, ये वाली रो मार्क्ड है और ये वाली, उन दोनों को छोड़ के बाकी सबको क्रॉस स्ट्रेट लाइन बना दोगे, ये बना दिया मैंने और ये बना दिया, मार्क्ड मैं लिख देती हूं मार्क्ड कॉलम एंड अनमार्क्ड रो, उनमें तुम्हें क्या बनानी है स्ट्रेट लाइंस, मैंने बना दी, हो गया यहाँ तक। अब जो खाली एलिमेंट्स बचे हैं कौन कौन से, 6, 4, 10, 2, 2, 4, 4, 2, अब इनके अंदर तुम्हें क्या देखना है सबसे मिनिमम एलिमेंट, देखो 6, 4, 10, 2, क्यों, इससे फायदा क्या हुआ, तुमने एक चीज नोटिस की, इसने प्रोसेस ऐसे बनाया है कि तुम्हारी सारी जीरोज उन स्ट्रेट लाइंस के अंदर आ गई, ये वाली लाइन नहीं है तुम्हारी, मैं एक बारी दूसरी टेबल बना दे ताकि तुम्हें आराम से अच्छे से समझ आ जाए, मैंने किया 2, 2, 0, 4, 0, मैंने ये टेबल दोबारा बना दिया ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए, हमने जो जो क्रॉस किए हैं, एक तो ये किया है क्रॉस, एक ये वाला क्रॉस किया है, एक 0, 1, 1, 2 वाला और एक ये तुम्हारी टेबल आ गई, उसमें तुम थोड़ा कंफ्यूज होते, जो क्रॉस हो गए वो लिख दिया मैंने। अब तुमने क्या करना है, जिनके अंदर
असाइनमेंट अब जो खाली रह गया उनमें सबसे लीस्ट एलिमेंट देखना है तुम्हें. सबसे लीस्ट एलिमेंट क्या है तुम्हारा इन सब में? 6, 4, 10, 2, 2, 4, 4, 2. इन सब में सबसे लीस्ट एलिमेंट है 2. तो क्या करना है, इन सब में से तो 2 माइनस करना है. और ऐड कहाँ पे करना है ये देखो, जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर गई यहाँ पे 2 ऐड करना है, यहाँ पे और यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर दी 2, यहाँ ऐड करना है यहाँ पे और यहाँ पे, जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई है वहाँ पे तो ऐड करना है. बाकी सब में तुम्हें क्या करना है, माइनस. और जिनके ऊपर है ये लाइन उनको कुछ नहीं करना. देखो स्टेप, फ्रॉम अमंग द सेल्स नॉट कवर्ड बाय एनी लाइन, जो भी सेल तुम्हारे किसी लाइन से कवर नहीं हुए, चूज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. मैंने देखा 2 आया. नेक्स्ट, कॉल दिस वैल्यू के, मैंने उसको के मान लिया. अब 2 को क्या मान लिया, के. सब्ट्रैक्ट के फ्रॉम एवरी एलिमेंट इन द सेल नॉट कवर्ड बाय अ लाइन, जो भी एलिमेंट किसी लाइन से कवर नहीं हुआ है उसको 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि सबसे एलिमेंट क्या है, छोटा, 2. नेक्स्ट, एड के टू एवरी एलिमेंट इन द सेल कवर्ड बाय 2 लाइन्स, जो दो उस सेल के अंदर जो दो लाइन से कवर हो रहा है, एक तो 0 हो रहा है, ये सेल है ये भी, ये कौन सा सेल है, आर ए वाला सेल, ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, जो सेल दो लाइन से कवर हो रहा है उसमें ऐड करना है. एंड एलिमेंट्स इन द सेल कवर्ड बाय 1 लाइन रिमेन्स अनचेंज, जो सिर्फ एक ही लाइन से कवर हुए हैं उसमें कुछ नहीं करना तुम्हें. तो देखो क्या करना है, सबसे लीस्ट एलिमेंट मैंने ढूंढा 2 है सब में, तो 2 तो मैंने जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, देखो जो एक एक लाइन से कवर है उसमें कुछ नहीं करना, जो दो लाइन से कवर है उसमें ऐड करना, तो मैंने 2 0 में ऐड करूंगी. इधर कुछ नहीं करना, इधर भी कुछ नहीं करना, 4 और 0. अब क्या करना है, जो जिस जो बिल्कुल ही कवर्ड नहीं है 6, 4, उनमें तो माइनस करना है, तो 4, 2, 0, 8, 0, ये अनकवर्ड है तो उनमें से क्या करना है, 2 माइनस करना है. ये सिंगल लाइन में आता है तो इसमें से कुछ नहीं करना, तो इधर से 2 माइनस करोगे, इधर से, इधर से, इधर से, 0 एज इट इज रहेगी. इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, 0, 1, ये दो एलिमेंट से कवर हो रहे, तो इधर ऐड करना है, तो मैंने 2 ऐड किया, 1 और 2. ऐसे ही जो अनकवर्ड है ये वाली लाइन, 2, 4 में से माइनस करना है, 0, 2, ये एक ही लाइन से कवर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है एज इट इज, इसमें माइनस 2 करना, इसमें भी 2. हो गया यहाँ तक. फिर नेक्स्ट, 2, 0, 0 में इनमें कुछ चेंजेस नहीं करने क्योंकि एक लाइन से कवर्ड है, और जो दो लाइन से कवर्ड है उसमें 2 ऐड करना है, और बाकी एज इट इज. समझ आया? तो 3 स्टेप्स याद रखने हैं तुम्हें. सबसे लीस्ट एलिमेंट ढूंढा, जो अनमार्क्ड है, जिस जो एक भी लाइन से कवर नहीं है उसमें से तो माइनस करना है 2, जो एक लाइन से कवर है उधर कुछ नहीं करना, जो दो लाइन से कवर कर रहे हैं वहां पे ऐड करना है, तो एक जगह ऐड करना, एक जगह सब्ट्रैक्ट करना और एक जगह कुछ नहीं करना. ठीक है, तो ये हमारी नई आ गई. अब फिर दोबारा क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे. हो सकता है यही आ जाए, अगर यही नहीं आता फिर यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे. तो देखो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें सबसे पहले असाइन करती हूँ, इसको ये वाली जॉब असाइन कर दी, उसके नीचे वाले सारी जीरोस को कैंसिल आउट करते हुए कर दिया, इसके अंदर मैंने इसको ये जॉब असाइन कर दी, इसके नीचे वाली जीरोस को कैंसिल कर दिया. अब मैंने इसको असाइन कर दी, इसके नीचे वाली जीरोस को असाइन कर दिया. अब मैंने इसको असाइन किया, इसकी जीरो को कैंसिल आउट कर दिया. अब देखो कोई फायदा हुआ, क्योंकि असाइनमेंट अभी भी हमारी डी में नहीं हुई. अब मैं डी में और दूसरा वे ढूंढ सकती थी, डी के अंदर ढूंढती. देखो ए के अंदर तो एक ही जीरो है, तो इधर ही असाइनमेंट होगी. बी के अंदर यहाँ पे हो सकती थी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ए में हो चुकी तो यहाँ पॉसिबल है, तो बी में भी यही होगी. सी में एक ही जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ होगा. डी के अंदर देखो यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, तो एक तो खाली रहेगा, तो अभी कौन सा वैकेंट रह गया, डी. वही प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू करना है. क्या जो खाली रह गया है, कौन सा, डी वाला खाली रह गया, उसको टिक करना है जिधर असाइनमेंट नहीं हुई. फिर उस रो में जहां जहां भी जीरो है, एक तो इधर जीरो है उसको टिक करोगे, एक इधर जीरो है उसको टिक करोगे, एक जीरो है उधर टिक करोगे. ठीक है, उस रो में जिसमें असाइनमेंट नहीं हुई, जहां जहां जीरो है वहां वहां टिक करना है कॉलम्स में. अब उस कॉलम के अंदर जहां क्या हुआ है, असाइनमेंट हुई है, इस कॉलम में कहां असाइनमेंट हुई है, सी में, तो उस रो को टिक करोगे. इस वाले में असाइनमेंट हुई है इस वाले में, तो उसको भी टिक करोगे. ठीक है, इस वाले में असाइनमेंट हुई है जीरो वाले में, तो इसको भी टिक करोगे. किया हमने टिक सभी को. उसके बाद टिक करने के बाद क्या करना था, अब हमें मार्क करने हैं जो जो ये सारी जो अन क्या करना था, जो भी मार्क्ड कॉलम्स हैं, कॉलम मार्क्ड हैं उनको क्रॉस करोगे, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाओगे. और जो अनमार्क्ड रोज हैं, रोज तो इधर से सारी मार्क्ड है, बस एक नीचे वाली को, उसको क्रॉस करोगे. कर दिया. अब जो हमारी टेबल बनेगी वो देखनी है, तो मैं इसको एक बार दोबारा साफ से बना देती हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए क्या बनेगा. इधर 2, 4, 0, 0, 2, 2, 2, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 4, 8, 1, 2, 0,
जीरो जीरो टू जीरो टू, फिर मैंने जो जो कैंसिल आउट किए हैं वो कर देती हूँ। ये आ गई तुम्हारी टेबल, ठीक है। ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी। अब देखो, अब क्या करना है, वही प्रोसेस, सबसे लीस्ट एलिमेंट ढूंढना है इनमें कौन है। देखो सारी जीरो तो वैसे भी कैंसिल आउट हो चुकी होती है, वन है, वन तो इनमें से माइनस करना है, जो सिंगली कवर्ड है उनके अंदर कुछ चेंज नहीं करना, जो डबल है एक तो इधर ऐड करना है, एक इधर ऐड करना है वन और एक इधर, बाकी सब में मैंने माइनस करना है। देखो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा मैं पहले वो लिख देती हूँ, टू फोर जीरो जीरो, इस वाले में वन ऐड करना है तो ये बन गया थ्री, ठीक है। इसमें से टू, इसमें सब में से वन माइनस करना है, वन वन जीरो वन, इसमें कोई चेंज नहीं करना क्योंकि जीरो है, इसमें थ्री कर देंगे, इधर जीरो इधर थ्री, क्योंकि ये दोनों डबल लाइन से कवर्ड है तो मैंने इधर क्या कर दिया ऐड, और जो जो सिंगली कवर्ड है मैंने उनको एज इट इज लिख दिया वापस। इनके अंदर कुछ भी नहीं है तो इधर से वन वन माइनस करोगे, इधर बनेगा थ्री, इधर बनेगा सेवन, इधर बनेगा जीरो, इधर बनेगा वन। ये आ गई तुम्हारी न्यू टेबल। अब फिर दोबारा क्या करोगे, असाइनमेंट। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक असाइनमेंट सब में ना हो जाए। अब मैंने वही किया दोबारा, ए को असाइन किया, इधर नहीं हो सकती असाइनमेंट, इधर नहीं हो सकती। बी ये वाली जॉब को असाइन किया, अब इसमें नीचे नहीं हो सकती। फिर सी में देखो, अब देखो डी में और सी में फिर कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, तो मैं डी को पहले ही मार्क कर देती हूँ क्योंकि सी के पास और भी ऑप्शन है। देखो मैंने क्या किया, अगर मैं सी को यहाँ असाइन कर दूंगी तो डी के पास तो बस यही बचा ना, तो मैं क्या करूंगी, सी को ये जॉब ना असाइन करके ये वाली जॉब असाइन कर देती हूँ। इसके नीचे वाली क्या कैंसिल आउट हो गई, सी को ये जॉब असाइन कर दी, डी हो गया, फिर क्या बचा, यहाँ असाइनमेंट हो गया। अब सबके अंदर असाइनमेंट हो गया तो इसका मतलब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अब देख लो, तो मैंने ए जॉब किसको असाइन की है, ए के सामने टी को, बी जॉब किसको असाइन किया है, आर को, सी जॉब किसको असाइन किया है, क्यू को, डी जॉब मैंने असाइन किया है पी को, और ई जॉब असाइन किया है मैंने एस को। तो ये हमारी असाइनमेंट आ गई। जब चारों पांचों असाइनमेंट आ जाए, फाइव जॉब्स और फाइव लेबर्स है, तो मैंने लेबरर्स को पांच को क्या दे दी असाइनमेंट, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। तुम इस टेबल को दो या तीन बार देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा, और जिसको ये समझ नहीं आ रहा इन दो स्टेप्स को रिवाइज कर लेना। ये रिवाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसके अंदर वही लिखा हुआ है, जिसके अंदर असाइनमेंट नहीं हुई उसको टिक करना है, फिर उन मार्क्ड रोज में जहाँ जहाँ जीरो है उनको मार्क करो, उसके बाद उन रोज के अंदर जहाँ जहाँ असाइनमेंट हो रही है, देखो मैंने वही बताया, दोबारा ये स्टेप बता देती हूँ, क्या करना था इसके अंदर, टिक कैसे करना होता है, बस टिक का देखना है तुम्हें, इसके अंदर कहीं असाइनमेंट नहीं हुई, जिधर कोई असाइनमेंट नहीं होती है उधर टिक करना होता है, उसमें जहाँ जहाँ जीरो आती है इधर आई है सिर्फ, उसको टिक करना है, उस रो उस कॉलम के अंदर जहाँ असाइनमेंट हुई है उसको, जैसे इस वाले में हुआ था, इस वाले में असाइनमेंट हुई थी डी के अंदर कोई भी नहीं तो उसको टिक किया, उसमें जहाँ जहाँ जीरो है एक तो इधर एक इधर एक इधर उधर उधर मार्क कर दोगे, टिक कर दोगे, फिर उस वाली रो कॉलम के अंदर जहाँ जहाँ असाइनमेंट हुई है एक तो इधर हुई थी असाइनमेंट, उसके सामने वाली रो को करोगे, इस उधर ये असाइनमेंट है उसके सामने वाली रो को, इधर कौन सी असाइनमेंट हुई यहाँ वाली रो को, सबको टिक कर लिया। फिर क्या देखना है, मार्क्ड कॉलम्स, जो जो मार्क्ड कॉलम्स है उधर उधर स्ट्रेट लाइंस, और अनमार्क्ड रोज, जो रोज में मार्क नहीं है उसको क्रॉस कर दोगे, यहां तक आ गया। उसके बाद लीस्ट एलिमेंट ढूंढोगे, लीस्ट एलिमेंट सब में से माइनस करना है, जो सिंगली कवर्ड है सिंगल लाइन से कवर्ड है उनमें कुछ नहीं चेंज नहीं करना, जो दो लाइन से कवर्ड है उधर ऐड करना है वो एलिमेंट, फिर असाइनमेंट ट्राई करो, फिर वही क्वेश्चन असाइनमेंट। तो ये क्वेश्चन पेपर में 100% एक क्वेश्चन यही आना है, तो तुम इस मेथड को बिल्कुल अच्छे से कर लो एक बारी, समझ आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम मैसेज डाल सकते हो ग्रुप पे, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना, एक मैं क्वेश्चन ग्रुप पे भी सेंड करती हूँ।